नमस्कार विद्यार्थियों, ल्हासा की यात्रा पाठ में पूर्व में हमने देखा कि लेखक और सुमिति जो हैं अब थकने लगे और उन्हें घोड़ों की आवश्यकता महसूस होने लगी ताकि वो अपना सामान लाद करके उस पर बैठ करके आराम से यात्रा कर सके। आगे देखिए, दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे के पहले एक जगह चाय पी, दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे जो समुद्र तल से 17,000-18,000 फीट ऊँचे खड़े थे। मैंने बताया डांडे जो है वो उन दुर्गम स्थानों को कहा जाता है जो बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है और लेखक जो है ऊंचाई की ओर चढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि चारों तरफ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, किसी तरह की हरियाली नहीं थी और बर्फ़ की चोटियाँ जो है दिखाई पड़ रही थी और बराबर अब उनको ऊंचाई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी लेकिन ऊंचाई बिल्कुल भी नहीं, मतलब चढ़ने में उनको जोर आ रहा था, थोड़ा परिश्रम करना पड़ रहा था लेकिन उतरना जो है वो थोड़ा आरामदायक था। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। यहाँ लेखक बता रहा है कि जो उनका घोड़ा है वो थोड़ा धीमी गति से चल रहा था जबकि उनके मित्र सुमति का घोड़ा जो है वो बहुत तीव्रता से चल रहा था। यही कारण है कि लेखक जो है एक जगह ऐसा रास्ता आया जहाँ से दो रास्ते फूट रहे थे। लेखक आगे निकल गए और सुमति जो है जिस रास्ते पर जो नियत स्थान के लिए रास्ता जा रहा था उस रास्ते पर चल दिए। बहुत दूर चलने के बाद में लेखक को लगा कि ये रास्ता वो नहीं है जहाँ उन्हें जाना था, मतलब लंकोर जगह जहाँ पहुँचना था उसका रास्ता नहीं है। वे पुनः वापस लौटे और यहाँ लौट करके उसी को पकड़ा। 4-5 बजे करीब गांव के मील भर ही था तो सुमति इंतजार करते हुए उन्हें वह वहाँ पर मिले। और जो सुमति हैं वो मंगोलियन थे तो गुस्से में उनका जो मुँह है वो लाल हो रहा था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, मैंने अर्थात लेखक ने, कि मेरा कोई कसूर नहीं है क्योंकि जो घोड़ा है वो गलत रास्ते पर आगे चला गया। कहने का मतलब ऐसी कोई जगह नहीं, कहीं कोई निर्देश नहीं, इसी कारण लेखक जो है वो अपने मित्र से बिछड़ गया और काफ़ी आगे निकल गया। आगे देखिए, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई दे रही थी, उसी पहाड़ी का नाम था तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। मैंने आपको पहले भी बताया जो सुमति है वो वहाँ के जानकार हैं और वो वहाँ आते जाते हैं, इसलिए लेखक ने उनका साथ लिया। आगे, आसपास के गांव में सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते क्योंकि बोधगया से लाए कपड़ों के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे और वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। कहने का मतलब सुमति यहाँ आकर के अपने यजमानों को गंडे दे करके उनसे पैसे लेना चाह रहा था, उनसे जो भेंट होती है वो लेना चाह रहा था, इसलिए उसने लेखक को कहा कि आप यहाँ विश्राम करें और अपना कार्य करें और मैं तब तक यहाँ पर गांव में अपने जानने वालों से मिल करके आ जाता हूँ। सुमति ने भी स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, अब 10-11 बजे तेज धूप में उनको चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप, बता रहे हैं कि तिब्बत की धूप जो है बड़ी अलग सी होती है, सामने से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सूरज जला देगा और पीठ जो है बिल्कुल ठंडी हो जाती है, कंधा बर्फ हो जाता है। हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहता था, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। शेखर विहार वह जगह जहाँ ये लोग जाकर के रुके। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। शेखर विहार भी क्या है, एक जागीर है। अपनी अपनी जागीरों में हर एक जागीरदार कुछ खेती भी करते थे, उसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते थे और यहाँ वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नाम है नमसे, बड़े ही भद्र पुरुष थे, बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त उनका वेश जो है वो ऐसा नहीं था कि उनका बहुत ख्याल किया जाए। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि अच्छा मंदिर था और वहाँ उन्हें बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई मिली। अब लेखक का जो उद्देश्य था उन पोथियों का अध्ययन करना ही था, इसलिए वह मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी, इसलिए वो एक एक पोथी 15-15 बता रहे हैं कि पोथियाँ जो है इतनी मोटी थी, एक एक पोथी का वजन कम से कम 15-15 किलो था।
सुमति ने फिर आसपास के अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा और लेखक का उद्देश्य उन पुस्तकों का अध्ययन करना था। जब सुमति ने पूछा तो उन्होंने सहर्ष सुमति को जाने के लिए कह दिया और लेखक जो है वो उन पुस्तकों के अध्ययन में लग गए। इस प्रकार से उनका यह यात्रा व्रत जो है पूर्ण हुआ। बाद में नमसे से विदा लेकर के वो अपने रास्ते पर निकल पड़े। धन्यवाद।